27 सितंबर बुधवार के दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत की सरजमी पर कदम रखा। आपको बता दें कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की टीम पधारी, जहां से उन्होंने तेलंगाना की तरफ रुख किया। पाकिस्तान की टीम को दुबई से भारत लाया गया। आपको बता दें कि पहले पाकिस्तान की टीम को वीज़ा मिलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन समय पर उन्हें वीज़ा मिला और दुबई के रास्ते होते हुए पाकिस्तान की टीम भारत पहुंच गई है। लेकिन भारत पहुंचते ही पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि हैदराबाद के एयरपोर्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्वागत काफ़ी धूम धड़ाके के साथ किया गया। शायद पाकिस्तान की टीम को इस स्वागत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जैसे ही उनका वेलकम हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए सभी को ये बताया कि कितना इस वक्त वो खुश महसूस कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम से लेकर शाहिन शाह अफरीदी, फ़खर जमन जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखते हुए कहा कि हैदराबाद में मिले प्यार और साथ को पाकर धन्य हुआ। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखते हैं, यहाँ के लोगों द्वारा कमाल का स्वागत हुआ, सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा, अब अगले 1.5 महीने आगे देख रहा हूँ। वहीं शाहिन शाह अफरीदी ने भी हैदराबाद के इस हॉस्पिटैलिटी को शुक्रिया अदा कहा और इसके साथ साथ वो धन्य भी हुए हैं। आपको बता दें कि फ़खर जमान ने भी एक पोस्ट अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर डाला और उसमें उन्होंने लिखा, हेलो भारत। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हैदराबाद में हुए इस स्वागत को पाकर काफ़ी खुशी महसूस की है और उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक बेहतर कैप्शन के साथ वीडियो साझा करते हुए भारत को शुक्रिया अदा कहा है। कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शायद इतने अच्छे स्वागत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से भारत ने खिलाड़ियों का स्वागत किया, ये दर्शाता है कि जहां राजनीतिक मुद्दे लाने की बात होती है, वहां पर राजनीतिक मुद्दे लाए जाते हैं, लेकिन जहां पर मेहमान का स्वागत करना हो, वहां हम भारतीय पीछे नहीं होते हैं। भारत ने ये एक बहुत अच्छा उदाहरण भी पेश किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।